Good morning to you all. How are you all? Fine. Okay, so students, today we are going to study subject English of class 4. Okay, yes. So in the previous lecture we have completed poem 3. Now we are moving further with a new lesson, that is lesson number 3, Nasruddin's Hind. Okay? Yes. So you have to see on the page number 44. Yes, 44 page in your textbook. Yes, now see. First of all, what is the meaning of aim? Aim means ability to hit the target. यहाँ पे हम story पढ़ेंगे इसलिए तुमको aim का मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या है. Okay, see on the page 44. One day, Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery." So, एक दिन क्या होता है कि ये जो नसरुद्दीन है वो क्या कर रहा था? नसरुद्दीन ने अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग, चैटिंग मींस टू टॉक, जिसे आप लोग क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो, सब कुछ शेयर करते हो उस तरह से. तो एक दिन नसरुद्दीन क्या करता है, अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहा होता है. उस टाइम क्या होता है, ही बिगिन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माय स्किल इन आर्चरी. तो वो क्या बोलता है, बोस्ट. बोस्ट मींस टू प्रेज वनसेल्फ. यहां पे पहले हम लिखेंगे एम का मीनिंग. व्हाट इज गिवन हियर, सी, एबिलिटी to hit the target. Okay, हम meaning देखते जाएंगे and we learn also. Okay, यहाँ पे पहले aim का मतलब है ability to hit the target. Next हमारा word आता है boast. Boast means to praise oneself. Means खुद की ही तारीफ खुद से कर रहा है. यहाँ पे देखो क्या है, नसरुद्दीन ने वो क्या बोल रहा है कि मैं जब भी आर्चरी, आर्चरी मींस आप लोगों को पता है कि जो बाण होती है, तीर चलाना, राइट. सो व्हाट इज द नसरुद्दीन इन सेइंग कि नो वन कैन मैच माय स्किल इन आर्चरी, मतलब कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है आर्चरी में. आई स्ट्रिंग द बॉ, टेक एम एंड शूट द एरो. ओके, इट इज गिवन लाइक दैट. व्हाट इज गिवन, द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मींस यहां पे देखो इस तरह से बाण जो होता है, यू कैन सी हियर. What is given? I string the bow, take aim and shoot the string means ये जो पीछे जो दोरी होती है, thread होती है, उसको इस तरह से खींच के, आप लोगों को पता है कि archery किस तरह से होती है, आपने टीवी में और सबने देखा होगा, right? So what is saying? I string aim. वो directly क्या बोल रहा है कि मैं एक बार में ही कोई भी aim, मतलब कोई भी target पे, अगर मुझे समझो यहाँ से कोई इस तरफ से कर रहा है, किसी को board पे aim कर रहा है. So what is he saying? That if I take once I take aim, तो मेरा जो arrow है, मेरा जो है ना एरो है, तो आर्चरी मेरी कभी भी एम गलत नहीं जाता है, राइट. व्हाट इज नेक्स्ट, द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट. सो व्हाट डज नसरुद्दीन इज सेइंग, नसरुद्दीन बोल रहा है कि जो मैं कभी भी कोई भी एम गलत नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने एक बार एरो हिट किया, सो इट इज श्योर टू गेट ऑन द राइट टारगेट. हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली बॉट अ बो एंड सम एरोस. Thereafter, जब वो अपनी तारीफ करता है तो उसका एक फ्रेंड है, वो bow and arrows लेके आता है. And what does he says? Giving them to Nasruddin, he says, "Yeah, Nasruddin, take this bow and arrows." So उसका फ्रेंड जो है वो क्या बोल रहा है कि ये जो arrows है और bows है वो तुम लो और तुम कोई भी एक aim करो, हम देखेंगे कि तुम archery में कितने perfect हो. Then pointing towards the target, he says, "Aim at the target and shoot an arrow." So what his friend is saying, उसका friend उसको क्या बोल रहा है कि ये aim पे तुम target करो और उसको shoot करो. What is next? See on the page 45. Nasruddin held the bow in his hand, strung it, aim at the target and shoot an arrow. The arrow didn't hit the target, instead it fell down somewhere in the middle. So जब भी वो target hit करता है, right? जब वो shoot करता है, तो उस time उसका जो arrow है वो right place पे नहीं जाता है, उसकी जगह पे जो यहाँ पे उसको टारगेट दिखाया हुआ था उसके मिडल में, मींस नीचे गिर जाता है, राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, सी, हा हा हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्टिंग. सो उसके फ्रेंड्स जो है वो एकदम से हंसने लगते हैं और क्या बोलते हैं कि क्या यही तुम्हारा एम है, इस तरह से तुम राइट एम करते हो. ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन, डिफेंडिंग हिमसेल्फ. डिफेंड मींस अपने आप को बचाना, अपने आप को बचाना कि हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, लाइक दैट. सो व्हाट इज द नसरुद्दीन इज सेइंग, डिफेंडिंग हिमसेल्फ, ही इज सेइंग कि नहीं ये राइट एरो
नहीं था, दिस वॉज इंट माइंग, इट वॉज आजाद सिंह, आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट एन एरो। तो वो अपने आप को बचाने के लिए अब अपने फ्रेंड का नाम दे रहा है। व्हाट टू ही सेइंग कि ये एम जो था वो मेरा नहीं था, ये टारगेट आजाद का था, वो इस तरह से शूट कर रहा है, मैं आप लोगों को वो दिखा रहा था। ओके, सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम एट द टारगेट एंड शूट द एरो। अगेन वो क्या करता है, एक और एरो लेता है और टारगेट देखता है और उसको शूट करता है। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। अब इस बार जब वो एरो शूट करता है, राइट, इस टाइम जब वो एरो शूट करता है तो क्या होता है कि लास्ट टाइम जहां पे एरो मिडल में गिरा था उसके थोड़ा आगे जाके गिरता है, अगेन उसका जो एम है, जो टारगेट है, वो छूट जाता है, सही जगह पे नहीं लगता है। नेक्स्ट पेज 46 सी, बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, दे आस्क नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, ऑफ कोर्स नॉट आर्ग्यू नसरुद्दीन। अब वापस से उसके फ्रेंड्स जो है वो क्या बोल रहे हैं कि ये तो तुम्हारा ही एम होगा, लास्ट टाइम तुमने ऐसा बोला कि आजाद का एम, आजाद किस तरह से शूट करता है, मैं आपको वो दिखा रहा था, बट दिस टाइम इट मस्ट बी योर शूट, कि तुम किस तरह से शूट करते हो। तो अगेन जो है नसरुद्दीन अपने आप को बचाने के लिए क्या बोलता है, ऑफकोर्स नॉट, दिस इज नॉट माई एम, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। तो अभी जो है उसके फ्रेंड को वो क्या बोलता है कि ये मेरा एम नहीं था, मैं इस तरह से टारगेट नहीं करता हूँ, ये चीफ गार्ड का एम था जिस तरह से वो शूट करता है। नाउ समबडी रिमार्क्ड वेल, नाउ हु इज टर्न नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। तो अभी उसके फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं कि अब तो तुम अभी नेक्स्ट टाइम भी तुम जब शूट करोगे गलत जाएगा तो तुम वापस किसी और का नाम लोगे, राइट। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बस्ट आउट लाफिंग, सो एवरीवन वाज लाफिंग ऑन हिम। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, ही क्वाइटली पिक अप वन मोर एरो एंड अगेन, एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वाज रियली लकी, द एरो हिट ऑन द राइट टारगेट। सो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द नेक्स्ट, दिस टाइम अगेन जब वो थर्ड टाइम टारगेट करता है, सो दिस टाइम ही वाज वेरी लकी कि उसका जो टारगेट है वो सही जगह पे वो शूट करता है अपना ही। नेक्स्ट पेज सी 47 लास्ट पैराग्राफ, एवरीबॉडी स्टार्टेड एट स्टेप एट नसरुद्दीन हिज माउथ अगेन इन अमेजमेंट। सब लोग जो है वो उसको स्टेप, स्टेप मींस किसी को एकदम से देखना, राइट। सो सब जो उसके फ्रेंड्स थे वो उसको देखने लगते हैं एंड व्हाट इज हैपनिंग, वो जो है सबको अमेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेजमेंट हियर, अमेजमेंट मींस अ फीलिंग of a feeling of great surprise, okay? Next it is given to you, see, क्या है? Before anyone could say anything, Nasrudin said triumphantly, did you see that? It was in mine. So, अभी तो कोई उसको कुछ बोलता है, उसके पहले ही उसने क्या बोला? Triumphantly, यहाँ पे triumphantly का मतलब क्या है? देखो, in a way, that, what is the meaning of triumphantly? In the way that shows great happiness at a achievement. Triumphantly का मतलब होता है, for example, अगर आपने कोई रेस या किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है, जब आप लोग जीत जाते हो, when you get a rank and get a medal, at that time आप जैसे अचीवमेंट, अपने अचीवमेंट में आप जो हैप्पीनेस प्रेजेंट करते हो, राइट, एक्सप्रेस करते हो, दैट इज नोन एज ट्रम्फेंटली। और लास्ट हमने पहले पढ़ा था डिफेंडिंग, डिफेंडिंग मतलब है प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग, देन आफ्टर व्हाट इज गिवन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम, अपने आप को कवर से कवर अप करना, बचाना, राइट। सो दिस वॉज योर स्टोरी, डिड यू लाइक द स्टोरी चिल्ड्रेन? ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू एक्सरसाइज, टिल दैट बाय बाय, थैंक यू।